हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो फार्मेसी सीरीज का है और फार्मेसी में हम डिस्कस करेंगे आज व्हाट इज व्हीकल। ये क्वेश्चन आता है फार्मेसी क्वेश्चन पेपर में, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा में भी कई बार पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है व्हाट इज व्हीकल। देखिए, व्हीकल का सिंपल सा मतलब है ट्रांसमिशन और कन्वेंस, यानी कि हम कहीं आते जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, व्हीकल से आते जाते हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है, कन्वेंस हो रहा है। तो ये आप सिंपली याद कर सकते हैं, व्हीकल जो है ट्रांसमिशन का या कन्वेंस का मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ फार्मेसी में हम इसकी क्या डेफिनेशन बताएंगे, वो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस जो कि केमिकली न्यूट्रल हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक हैं ना अल्कलाइन हैं, जो थेरेपेटिकली इनर्ट हैं, मतलब जिनकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, अगर हो भी तो बहुत नेग्लिजिबल हो, लेकिन बट इंटेंटेड टू कैरी डायनेमिक पावर ऑफ अ ड्रग सेफली टू द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज फोर्स। क्योंकि हमारी मेडिसिन डायनेमिक हैं, तो उस मेडिसिन की डायनेमिक पावर को वो ह्यूमन बॉडी में ले जाए ताकि वो डिजीज फोर्स से लड़ सके। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल व्हीकल के बारे में। देखिए, कई बार क्या होता है, व्हीकल पे जो क्वेश्चन आता है आपके BHMS फर्स्ट ईयर में फार्मेसी के पेपर में, वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन जनरली आता है, तो उसमें आपको व्हीकल का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल व्हीकल के बारे में भी लिखेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आदि तो आप डेफिनेशन जैसे अभी अपन ने पढ़ी है उसी में हमने पढ़ ली है क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक आइडियल व्हीकल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हीकल जो होता है केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए, जिसमें कोई एसिडिक या अल्कलाइन प्रॉपर्टी ना हो, थेरेपेटिकली इनर्ट होना चाहिए, कि उसकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं हो, क्योंकि हम पहले ही एक मेडिसिन बॉडी के अंदर देना चाहते हैं व्हीकल के मोड से। अगर खुद की व्हीकल की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी तो फिर वो हम इस तरह से, मतलब एक वो सिंगल मेडिसिन नहीं होगा, फिर वो मल्टीपल मेडिसिन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। होम्योपैथी में हम सिंगल मेडिसिन देते हैं, तो जो हमारा व्हीकल है जिसके द्वारा हम मेडिसिन दे रहे हैं वो थेरेपेटिकली इनर्ट होना चाहिए, उसकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। व्हीकल जो है वो इतना केपेबल होना चाहिए कि हमारी जो डायनेमिक मेडिसिन हैं, होम्योपैथी के जो डायनेमिक डोजेस हैं, उनको सेफली ह्यूमन बॉडी में ले जा सके, ताकि मेडिसिन जो है डिजीज फोर्स से फाइट कर सके। ऑब्वियसली व्हीकल जो है हार्मलेस होना चाहिए, ठीक है, और उसमें पावर होनी चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस की। बिल्कुल सही बात है, पहली बात तो हार्मलेस तो होना ही चाहिए, हम ऐसा व्हीकल, ऐसी कोई चीज़ बॉडी में नहीं देना चाहते जो कि एक डिजीज़ आदमी को और ज़्यादा बीमार करे या हार्म करे। सेकेंडली, अगर व्हीकल में प्रिजर्वेशन ड्रग सब्सटेंस को नहीं प्रिजर्व कर पा रहा, ऐसी पावर नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन स्पॉइल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई व्हीकल होना चाहिए जो कि मेडिसिन की ड्रग सब्सटेंस की पावर को प्रिजर्व कर सके। इसीलिए हैनिमन के माइंड में अल्कोहल की बात आई थी, जो उसको उन्होंने व्हीकल के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि अल्कोहल में वो पावर है कि वो प्रिजर्व कर सकता है ड्रग सब्सटेंस को, ठीक है। साथ में व्हीकल की जो है स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। साथ में जो हैनिमन थे उस टाइम पे अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस से बहुत, जो चल रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उस टाइम पे जो मेथड्स थे एलोपैथी प्रैक्टिस के वो बहुत टॉर्चरसम होते थे, दवाई देने का तरीका बहुत परेशानी वाला होता था पेशेंट के लिए। तो हैनिमन ने सोचा कि ऑब्वियसली देखिए व्हीकल हम दे रहे हैं तो वो एडिबल होना चाहिए, खाने के लिए होना चाहिए, साथ में स्वादिष्ट भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स क्या काम आते हैं, ठीक है। तो आधी चीज़ें तो हम डेफिनेशन में और प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल व्हीकल में पढ़ चुके हैं, बाकी और समझ लेते हैं। पहली बात तो देखिए, व्हीकल जो है वो मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन, मदर सब्सटेंस बनाने के काम में आते हैं, ठीक है, जो कि हमारी सारी मेडिसिन जो है व्हीकल के बिना बनी नहीं सकती, क्योंकि सारी मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन, मदर सब्सटेंस, फर्दर ट्राइचुरेशन पोटेंटाइजेशन में व्हीकल काम आएगा। फिर बेस फॉर प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन बनानी है आपको, उसके लिए बेस भी जो है वो व्हीकल ही बनता है। हम अभी आगे वाले वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स का और डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ यूजेस में आप बात समझ लीजिए, जैसे कि व्हीकल्स लाइक ऑलिव ऑयल, वैसलीन एंड ग्लिसरॉल, ये सारे व्हीकल्स हैं, ये खुद ही एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं, तो ये एक इनका यूज़ हो गया। साथ में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि व्हीकल्स जो है मेडिसिन को प्रिजर्व करता है, ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन में व्हीकल काम आता है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन में व्हीकल काम आता है,
ठीक है, एज डाइट इन सिक बेबी, शुगर ऑफ मिल्क को यूज किया जाता है डाइट इन सिक बेबी, शुगर ऑफ मिल्क इज ऑल्सो व्हीकल. लास्टली इट इज यूज एज प्लेसिबो फाइटम रूब्रम. वी ऑल नो वेरी वेल प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट मेडिसिन, तो प्लेसिबो फाइटम और रूब्रम की तरह भी व्हीकल को यूज किया जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.